अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वाटरमेलन यानी तरबूज की स्मूदी। इसको बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें तरबूज के टुकड़े चाहिए वो उनके सीड मौजूद ना हो उनके अंदर। ये देखें, मैंने इनके सीड निकाल लिए हैं और इसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। अगर आपको ये कैमरा सही तरह दिखाए तो ये देखें, आपको बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही होगी इसमें, बिल्कुल ये जो है फ्रोज़न फॉर्म में है। इसके अलावा ये लाल शरबत है, आप लोगों को पता ही है घर में, हर घर में लाल शरबत जो है वो इस्तेमाल होता है, वो किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 2 चम्मच हम ये डालेंगे। ये चीनी है, आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम है, थोड़ी सी मैं क्रीम इसमें ऐड करूँगी स्मूदी में। ये कुछ पत्ते जो मिंट के हैं, पुदीने के, मैं वो इस्तेमाल करूँगी। काला नमक मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी और ये 1/2 गिलास दूध है जो मैं स्मूदी को बनाने में इस्तेमाल करूंगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे पहले आपका ब्लेंडर अच्छा होना चाहिए, जो ज़रा उसके जो ब्लेड हैं वो इस मरहले पर इन तरबूज के टुकड़ों को जो है वो क्रश कर सके। अब इसमें लाल शरबत ऐड करूंगी। चीनी हसबे ज़ायका, मैं फ़िलहाल इसमें तरबूज, ये काफ़ी मीठा है तो मैं सिर्फ ये 2.5 चमचे डाल रही हूँ। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसमें जाएंगी। ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी है, किसी भी ब्रांड की आप टेट्रा पैक क्रीम जो है वो ले सकते हैं। ये इसके अंदर 1/2 गिलास दूध चला गया और 1/2 टीस्पून के बराबर, बल्कि 1/2 से भी थोड़ा कम काला नमक, वो मैंने इसमें डाल दिया। जी, तो ये मज़ेदार स्मूदी वाटरमेलन की तैयार हो गई है। आजकल तरबूज का बड़ा अच्छा जो है वो सीज़न है, बहुत अच्छे तरबूज मिल रहे हैं। आप लोग भी तरबूज की ये स्मूदी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमने ग्लास में अभी से पोर कर दिया। ऊपर से मिंट लीफ के साथ आप इसे गार्निश करके सर्व करें, स्ट्रॉ लगा लें साथ। और ये इस गर्मी के मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी, ये आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग वाली चीज़ है। तो ये थी नाज़रीन हम लोगों की आज की रेसिपी वाटरमेलन स्मूदी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।